लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। कभी कभी बच्चों की शैतानियां भी उन पर भारी पड़ सकती है। कई बार ये शैतानियां ऐसी हो जाती है कि सबकी जान ही आफत में आ जाती है। अब जैसे चीन के सुझाव का ही मामला ले लीजिए, जहां एक 6 साल की बच्ची ने लंच ब्रेक में कहलते हुए अपना सिर 2 दीवारों के बीच फंसा दिया। हालत ये हो गई कि बच्ची को बचाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। बच्ची को बचाने के लिए कोई रास्ता न देख फायर फाइटर्स ने भी दीवार को तोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि ये साफ नहीं है कि बच्ची का सिर वहां कैसे फंसा। बच्ची का सिर बाहर निकालने के लिए तेल और लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया गया, पर जब बात नहीं बनी तो ड्रिल मशीन से एक दीवार को तोड़ा गया। गनीमत रही कि बच्ची को किसी तरह की चोट नहीं आई है।